योगी आदित्यनाथ ने प्राथमिक स्कूलों के 854 सहायक अध्यापकों को दिया नियुक्ति पत्र, कहा राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत होकर दे नौनिहालों को शिक्षा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे के अंतिम दिन कूड़ाघाट स्थित निर्माणाधीन एम्स कार्यों की प्रगति का किया निरीक्षण, कहा 2 साल में लोगों को मिलेगा एम्स में इलाज का पूरा लाभ। लखनऊ रवाना होने से पूर्व सीएम योगी आदित्यनाथ ने नंदा नगर रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहे अंडरपास के एक निर्माण कार्य का लिया जायजा, संबंधित अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने का दिया निर्देश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए है कटिबद्ध, प्रदेश में 20,000 माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया है जारी। साइबर अपराध पर पुलिस लाइन सभागार में आयोजित हुई कार्यशाला, पुलिस कर्मियों को दी गई साइबर क्राइम रोकने की जानकारी। मजदूर दिवस के अवसर पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा को दी श्रद्धांजलि। शराब से हुई मौत तो दोषी को दी जाएगी फांसी, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा नियम बनाने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य, गोरखपुर न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा सरकार बदली तो स्कूलों के हालात भी बदले हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में कोतवाली थाना क्षेत्र के हजारीपुर में महिला की हुई मौत, कार्यवाहक मुख्य अभियंता ने संभाला कार्यभार, विद्युत कर्मचारियों ने किया स्वागत। मजदूर दिवस पर विभिन्न संगठनों ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। दुर्घटनाओं से बचने के लिए विद्यालय में बच्चों को यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों के बारे में किया जा रहा है जागरूक, और मजदूरों को जागरूक करने के लिए मजदूर दिवस के दिन मजदूर यूनियन के संगठनों ने निकाली पद यात्रा।